Hi everyone, हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 255 ऑफ आईपीसी दैट इज काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प. हम लोग सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ गए हैं अपने चैप्टर 12 के. फर्स्ट सेगमेंट कवर्ड काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन. इट वाज रिलेटिंग टू ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन 230 से लेके 254 तक. सेकंड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू गवर्नमेंट कॉइन गवर्नमेंट स्टैम्प सॉरी. तो अब सेकंड जो सेगमेंट है हमारा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू गवर्नमेंट स्टैम्प्स, इस पर हम लोग आ चुके हैं और ये अब हम कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. तो 255 से लेके 263 तक. तो इस वीडियो में विल डिस्कस सेक्शन 255 ऑफ आईपीसी दैट इज काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स. अब स्टैम्प का मतलब क्या होता है? स्टैम्प एक्ट है आप 1899 का. उसमें स्टैम्प मींस एनी मार्क सील और एंडोर्समेंट by any agency or person duly authorized by the state government. तो क्या state government के list में आएगी कुछ भी mark, seal या endorsement? And उसके पीछे it will include an adhesive or impressed stamp. अब ये जरूरी नहीं है कि it must include an adhesive or impressed stamp. Adhesive जैसे पहले के time में होता था. मैंने even for that matter अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक आपसे एक छोटा सा एनेक्डोट आई मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि एडहेसिव की वैल्यू क्या होती है. आई अंडरस्टूड इन वन ऑफ द इंटर्नशिप्स आई डिड इन द दिल्ली हाई कोर्ट. सो ये अब क्योंकि अब ई स्टैम्प्स आ गए हैं तो उसमें यू कैन नॉट टेक ऑल द स्टैम्प्स दे डू नॉट हैव एन अ प्री अटैच्ड एडहेसिव एट द बैक एंड. सो हैविंग सेड दैट इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 की स्टैम्प एक्ट 1899. स्टैम्प में आप पढ़ोगे ये इस पर्पस से होती है ऑफ ड्यूटी चार्जेबल अंडर दिस एक्ट कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाए. सो स्टैम्प एक्ट स्टैम्प का मतलब क्या? इसका बेसिक एलिमेंट है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रही है. तो जैसे जुडिशियल स्टैम्प होती है नॉन जुडिशियल स्टैम्प होती है ये सारी हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिटेल किया था आप रिकॉल आ गया होगा आपको. Let us straight go down to section 255, counterfeiting government stamp. Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any stamp issued by the government for purpose of revenue. कोई भी counterfeit करता है या part लेता है counterfeiting के process में और जब ये process में part लेता है तब इसको knowledge है कि वो counterfeiting के process में इन्वॉल्व हो रहा है और ये काउंटरफीटिंग होनी चाहिए स्टैम्प विच इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू. इसकी इंप्रिजनमेंट होती है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद 10 इयर्स प्लस 1. ये एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 255 का. ये कहता है कि अ पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस हु काउंटरफीट्स बाय कॉजिंग अ जेन्युइन स्टैम्प ऑफ वन डिनोमिनेशन टू अपीयर लाइक अ जेन्युइन स्टैम्प ऑफ अ डिफरेंट डिनोमिनेशन. मैं 25 रुपए के स्टैम्प को मैं कुछ बना के 250 रुपए का स्टैम्प मान लो बना दे रहा हूं तो ये ट्रिगर होगा. अब सेक्शन 255 बिल्कुल सिमिलर है सेक्शन 232. तो आप देखते होगे 232 बात करता है काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन कॉइन जिसमें पनिशमेंट है फॉर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विच 10 इयर्स प्लस फाइन. तो अगेन मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में चैप्टर 12 के डिस्कस किया था ये बात कि ये चैप्टर 12 है वो एक दूसरे ही प्रोविजंस के आगे पीछे रिवॉल्व करती है रोटेट एंड रिवॉल्व करेगी. तो आपको कुछ सेक्शंस हैं उनका समझ आ गया बाकी भी आ जाएगा. जैसे अगर सेक्शन 232 के इंग्रेडिएंट्स आपको याद हैं तो 255 के इंग्रेडिएंट्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे. तो ये था सेक्शन 255 ऑफ आईपीसी.